भाई चमगादड़ भी आ रहे हैं, बड़ा डर लग रहा है, देख सकते हो जगह। रुको रुको, फंस गया क्या? फंस गया। देखो गूगल मैप एकदम जंगल जंगल से लेके जा रहा है हम लोगों को। सकते हो ये वाला फ्रूट मैं थोड़ा सा तोड़ के लेके आया गया, दर्शन नहीं कर सकते, देख सकते हो। बाकी मंदिर काफी सुंदर है, सकते हो कितना गंदा पानी है फिलहाल, क्योंकि तो जो काजू की तरह होता है काफी टेस्टी। तो भैया देख सकते हो हम लोग यहाँ पर नाश्ता कराने लेके आया, तो बालोद मेन सिटी से जो है ना 3 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम लोग सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो जय हिंद जय श्रीराम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सब एकदम बढ़िया मस्त एंड खुश हो। तो आज है मेरा डे 152 और कल रात में रुका हुआ था इस जगह पे टेंट लगा के। ये एक बहुत फेमस मंदिर है बालोद जिला का, तो मंदिर में भी दर्शन वगैरह करते हैं और यहाँ पर नहाने धोने का बहुत अच्छा सुविधा ही था, देख सकते हो टॉयलेट बाथरूम का। तो नहा भी धो भी लिया और कपड़ा वगैरह भी धो लिया, यहाँ पर आके कल स्टॉप ले रखा था आप लोगों, तो जिन लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा उनको तो पता ही है, बाकी जो भी है। और इस मंदिर का जो नाम है श्री गंगा मैया मंदिर है, तो दर्शन वगैरह करते हैं मंदिर में। और काफ़ी अच्छा जगह है, देख सकते हो बहुत बड़ा मंदिर है। मैंने तो दर्शन कर लिया गंगा माता का, एक बार आप लोग भी दर्शन कर लो। ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का मूर्ति है गंगा माता का, और यहाँ पर पास में नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी गेट बंद हो रखा है, सुबह सुबह के टाइम पर है। बाकी थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख लो। और यहाँ पर और एक मूर्ति रखा हुआ है गंगा माता का, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पर भी कुछ मूर्ति वगैरह रखा हुआ है देख सकते हो, तो यहाँ पर भी दर्शन कर लेते हैं। और ये तुलसी का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा मंदिर है देख सकते हो, और काफ़ी साफ़ सुथरा काफ़ी अच्छा मंदिर है। आप लोग भी अगर बालोद आओ तो बालोद मेन सिटी से जो है ना 3 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर है, आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर दर्शन करके जाना मंदिर पे। और यहाँ पर देख सकते हो दुकान वगैरह भी लगता है, जैसे मेला होता है ऐसा ही सेम, यानी इन सब दुकान को देखते ही पता चलता है यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ होता है। ये सब जो है ना परमानेंट दुकान है, जैसे मेला में लगता है कुछ दिन के लिए, तो सेम ऐसा ही टाइप का दुकान है जो पर्स वर्स मिलता है और लेडीज़ लोगों का ज्वेलरी वगैरह ये सब मिलता है। मेला में किस चीज़ का दुकान लगता है ये आप लोगों को पता ही है, जहाँ पर लेडीज़ लोगों का ही होता है। और इस मंदिर में साल में शायद 7-8 दिन के लिए कुछ मेला भी होता है, वो टाइम मेरे को नहीं पता। बाकी कोई छत्तीसगढ़ से देख रहे हो इस जगह से तो कमेंट में बता देना यहाँ पर किस टाइम पर मेला लगता है 7-8 दिन के लिए, कोई मेरे को कल बता रहा था। तो अभी यहाँ से निकलते हैं मैं बालोद थोड़ा बहुत घूमने के लिए, एक आधा मंदिर और है वो सब आप लोगों को घुमा के दिखाएंगे, तो आज का राइड को भी स्टार्ट करते हैं। तो अभी मंदिर से निकला ही था, ये देख सकते हो साथ में मंदिर है, और निकलते ही ये भैया मिल चुका है। भैया अपना नाम बता दो। भाई मेरा नाम चमन कुमार निषाद है। अच्छा चमन कुमार निषाद, कहाँ से हो? यही सुनता हूँ। अच्छा यही से हो, तो भैया देख सकते हो हम लोग यहाँ पर नाश्ता कराने लेके आया, और भैया थोड़ा जल्दी में तो भैया जा रहे हो, आप नाश्ता नहीं करो? नहीं हो गया, आप लोग घर। अच्छा अच्छा, आपका तो घर ही है यहाँ पर, तो भैया आपका दिल से शुक्रिया। ब्रेकफास्ट अपना मस्त मिल चुका है, और ब्रेकफास्ट में देख सकते हो कुछ इस टाइप का बड़ा है, जैसे बोंडा मिलता था आंध्र प्रदेश में सेम ऐसा ही है, और कुछ सब्जी है। ये जो सब्जी है थोड़ा खट्टा खट्टा जैसा लगता है। जय श्री राम का नाम लेके आज का भी राइड को कर दिया हुआ स्टार्ट, और नाश्ता काफी मस्त था। और जब से छत्तीसगढ़ एंटर किया कुछ भी देता है, पोहा देता है चाहे पकौड़ा देता है, उसके साथ में वो खट्टा सा थोड़ा सब्जी देते हैं। पूरा ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं आसाम से। तो ये भाई लोग मिला देख सकते हो, मेरे से पूछताछ कर रहे हैं, कहाँ से हो भैया? कहाँ से हो आप लोग? बालोद से हो क्या? अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है। तो नाश्ता काफ़ी मस्त था, और छत्तीसगढ़ का क्या फेमस फूड है आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो वो मैं ट्राई करूँगा। जैसे महाराष्ट्र का मिसाल पाव बोला था किसी ने, तो किसी ने बड़ा पाव, वो तो पहले से पता था कि बड़ा पाव फेमस है, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या फेमस फूड है उतना मेरे को आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट में बताना। और अभी फिलहाल जा रहा हूँ एक फेमस मंदिर की तरफ, 15 किलोमीटर कुछ दूरी है, और वो मंदिर काफ़ी मस्त होने वाला है, वाटरफॉल वगैरह और भी बहुत कुछ है, तो उस मंदिर में पहुँच के मिलते हैं डायरेक्ट। मंदिर तो अभी नहीं पहुंचा, 3 किलोमीटर और रह गया, और 15 किलोमीटर का जो सफ़र था ना, इतना सुंदर सफ़र है ना आप लोगों को क्या ही बताओ। आप लोग देखो सिर्फ इन सब नज़ारे को, कितना सुंदर नज़ारा है, दोनों साइड जो है ना
ऐसे बिना पत्तों का पेड़ है, जैसे सिनेमैटिक होता है ना, सिनेमैटिक फोटोज वगैरह देखा जाता था, सेम इसी टाइप का। और रोड एकदम कच्चा सड़क है, बहुत मजा आ रहा है चलने में, देख सकते हो बहुत अच्छा रोड है। आप लोग भी आओ इन सब जगह पे घूमो, मैं तो दिखाई रहा हूँ वीडियोस में, और देखो इन सब पेड़ों को। अगर एक महीना बाद आएंगे तो सब में पूरा पेड़ पे पत्ता लग जाएगा और पूरा हरा भरा दिखेगा और सुंदर दिखेगा, लेकिन इसका भी एक अलग नज़ारा है, देख सकते हो। तो अभी मंदिर पे पहुँचते हैं जल्दी जल्दी, 3 किलोमीटर शायद और रह गया। सुंदर सुंदर नज़ारे को देखते हुए आके पहुंच चुके हो सिया देवी टेम्पल के पास, और काफ़ी बड़ा टेम्पल है और काफ़ी जंगल के अंदर है, देख सकते हो। और साइकिल वगैरह इधर खड़ा कर दिया, और ये देख लो टेम्पल कुछ इस टाइप का है, और इधर जूता चप्पल रखने के लिए जगह बना हुआ है, और बाहर उधर टैप लगा हुआ है, देख सकते हो, पानी उनी के लिए, हाथ पैर धोने के लिए। तो अभी दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। सिया देवी माता का दर्शन तो कर लिया, आप लोग एक बार दर्शन कर लो, ये देख सकते हो, ये दर्शन कर लेते हैं। दर्शन वगैरह अपना मस्त हो चुका है, और आप लोगों को भी दर्शन करा दिया, और अब जा रहे हैं एक वाटरफॉल, आगे वाटरफॉल है तो सोच रहे नहाने का उधर, तो गमछा वमछा ले लिया, अगर पानी अच्छा रहा और नहाने का सुविधा होगा तो नहा भी लेंगे, नहीं तो देखे आ जाएंगे। तो चलते हैं वाटरफॉल के पास। वाटरफॉल के पास आया और वाटरफॉल उतना अच्छा नहीं है, नहाने लायक नहीं है, ये देख सकते हो कितना गंदा पानी है फिलहाल, क्योंकि अभी पानी नहीं चल रहा है ना। वो जब वाटरफॉल में पानी चलते है पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक चलता है, और जो नज़ारा होता है एकदम नेक्स्ट लेवल का, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ मानसून के टाइम पे चलता है, कुछ दिन बाद स्टार्ट होगा, अभी नहीं है फिलहाल, पानी बहुत गंदा है, देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर नहीं नहाएंगे हम लोगों ने, और पीछे दुकान वगैरह लगा हुआ है, तो वहाँ से 10 रुपये का ये वाला बिस्किट लिया था, देख सकते हो, जो काजू की तरह होता है, काफ़ी टेस्टी होता है ये बिस्किट खाने में। तो बैठ के थोड़ा सा बिस्किट खाते हैं, रेस्ट लेते हैं, और टाइम भी जो है 12 बजने वाला है, फिर नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस के लिए भी निकलना है। बिस्किट वगैरह खा के थोड़ा टाइम बैठ के रेस्ट लिया, और अभी हम लोगों को पता चला यहाँ पर एक एडवेंचर करने के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, देख सकते हो अमृत भाई कहाँ पर घुस रहे हैं, यहाँ पर घुस के अंदर उधर से निकल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, तो अंदर चलते हैं, थोड़ा डरावना है लेकिन चलेगा, बहुत डेंजरस है, देख सकते हो जगह, रुको रुको फंस गया, क्या फंस गया, उतर उतर उतर, फंस गया अमृत भाई, नहीं घुस पा रहे, मोटा हो गया अमृत भाई, ज्यादा लगते हैं, खाका का मोटा हो गया, अरे इस पत्थर के बीच में आ चुका हूँ, और देखो एक बार इतना सा स्पेस है, और अभी यहाँ से उस पार होंगे, बहुत डेंजरस है, बहुत डर लग रहा है, अगर अकेला आता तो ना हो पाता शायद। और एक बार देखो कैसे जाना पड़ रहा है, थोड़ा रिक्सी है, थोड़ा डेंजरस है भाई, चमगादड़ भी आ रहे हैं, बड़ा डर लग रहा है, तुमको डर नहीं लगा क्या? ओ भाई देखो, ये देखो क्या आ रहा है, देखा, देख सकते हो पैर का रोट यहाँ पर है, थोड़ा सा डेंजरस है, आप लोग भी आओ ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पर। ओह भाई बहुत अच्छा, बाहर आने वाला है सुरंग, बस खत्म होने वाला है सुरंग, तो सुरंग खत्म होने वाला है, जो भी बोलो बहुत डेंजरस था। तो फाइनली हम लोग बाहर आ चुके हैं, गुफा प्रवेश देख सकते हो, इतना से सिर्फ रास्ता है, इधर से जाओगे तो आसानी है, लेकिन उधर से चढ़ के आओगे तो बहुत परेशानी है, वही डर गया था जब चमगादड़ सामने से गया। ओके तो ऑफ कर, कैसा लगा तुमको? बढ़िया बढ़िया लगा, क्या नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस बोलो, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस, हाँ राइट, नेक्स्ट एक्सपीरियंस नहीं। तो चलते हैं अभी साइकिल के पास, साइकिल के पास जा ही रहा था तो मंदिर पे दिखा एक फ्रूट का पेड़, ये देख सकते हो ये वाला फ्रूट, मैं थोड़ा सा तोड़ के लेके आया गया, जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना, खा सकते हैं, काफ़ी मीठा होता है, इसका नाम नहीं पता मेरे को, देख सकते हो कुछ इस टाइप का ये पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारा हो रखा है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, ये नेचुरल है, मंदिर से निकल चुका हूँ और एक नेक्स्ट मंदिर की तरफ कुछ 23 किलोमीटर है यहाँ से, और अभी टाइम 2 बज चुका है, और बहुत तेज़ी का भूख लग गया, खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, सुबह सिर्फ जो पकौड़ा सा खाया था वो ही है, नहीं तो बाकी सब जंगल जंगल के बीच में से चल रहा हूँ, देख ही सकते हो। और रोड देखो कैसा कैसा रोड से लेके जा रहा है, गूगल मैप सिर्फ रोड का निशान बना हुआ है, रोड नहीं है, जंगल के बीच बीच में से देख ही सकते हो, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है, लेकिन नज़ारे से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए खाना खाना पड़ता है, बाकी जो भी है अभी देखते हैं खाने होने के लिए कहाँ मिलता है, रोड भी थोड़ा ख़राब कंडीशन है, अच्छा नहीं है उतना, खट्टा खुट्टा वाला रोड छोड़ के प्लेन रोड में आ चुका हूँ, और इस रोड का भी नज़ारा देखो कितना सुंदर है,
लेकिन भूख भी उतना तेज़ी का ही लग रहा है। कुछ दुकान वकान नहीं मिल रहा है इधर खाना पीना खाने के लिए, लेकिन जंगल को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हो। पता नहीं इस जंगल के अंदर किसने रोड बनाया था यहाँ पर। बाकी जो भी है अभी चलता रहता हूँ, देखता हूँ खाना पीने का कहाँ मिलता है कुछ। लंच का दुकान तो नहीं मिला, लेकिन एक छोटा सा दुकान मिला यहाँ पर, देख सकते हो। तो यहाँ से ये बन लिया कुछ 5 रुपए करके है बन, ये इसे खा के थोड़ा पानी पीता हूँ, थोड़ा पेट को राहत मिलेगा, फिर आगे जाके जो भी मिलेगा वही खा लेंगे। बाकी अभी चलता रहता हूँ इसे खा के। खाके कुछ किलोमीटर साइकिल चलाते ही एक ढाबा मिल चुका है था, देख सकते हो। ढाबा से यहाँ पर पराठा लिया, एक ही पीस पराठा 50 रुपए का है, देख सकते हो काफी मोटा है। और इधर चटनी फटनी दिया है और प्याज व्याज दिया है, तो मस्त अभी इसी से लंच कर लेते हैं। और टाइम जो है ना 4 बजने वाला है, और हमारा जो डेस्टिनेशन का अभी 8 किलोमीटर दूरी रह गया। खाना पीना खा के थोड़ा टाइम रेस्ट लेके निकल चुका हूँ, और हाईवे से थोड़ा सा आगे आते ही देखो गूगल मैप एकदम जंगल जंगल से लेके जा रहे हैं हम लोगों को। और मंदिर का दूरी जो है ना 8 किलोमीटर रह गया, और फिलहाल टाइम 5 बज रहा है, तो मंदिर आराम से पहुंच जाऊंगा और दर्शन वगैरह भी हो जाएगा। 6 बजे शायद मंदिर क्लोज हो जाता है। और बहुत सारे लोग बोल रहा था कि मेरा वीडियोस वगैरह इतना कम क्यों आ रहा है, तो रीज़न यही है कि अभी जंगल में हूँ तो नेटवर्क वगैरह बहुत कम मिलता है इधर, 5G नेटवर्क नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाता है। यही सिंपल सा रीज़न है, बाकी कोई नहीं। जब सिटी की तरफ जाऊँगा तो रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, तो थोड़ा सा वेट करना आप लोग। और मतलब ट्रेवलर का ऐसा ही होता है, कभी वीडियो अपलोड होगा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को डेली एक जगह नहीं मिलता है, कभी जंगल मिलता है तो कभी नदी मिलता है। ओ भाई रेता देख रहा पूरा, अभी गिनने वाला था। बाकी रोड बहुत मस्त है और बहुत सुंदर है, तो अभी चलते रहते हैं डायरेक्ट मंदिर में पहुंच के मिलते हैं। फाइनली आके पहुंच चुका हूँ मंदिर के पास, और एक बार मंदिर को देखो कितना सुंदर है ये मंदिर। मंदिर में तो आके पहुंच चुका हूँ, लेकिन मंदिर का जो है ना गेट वगैरह क्लोज है, दर्शन नहीं कर सकते, देख सकते हो। बाकी मंदिर काफ़ी सुंदर है, और यहाँ पर कुछ भैया लोग हैं, इन लोगों से पूछते हैं ये मंदिर कब बना था और क्या है इस मंदिर का नाम वगैरह। तो भैया इस मंदिर का नाम क्या है? मंदिर वैसे तो 2004 से चालू हुआ था। अच्छा, बीच में रुक गया था इस कारण से। अच्छा, 2004 में ये मंदिर बना था, मतलब चालू हुआ था। चालू हुआ था तो 2004 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, फिर कम्प्लीट कब हो गया था? 20 साल लगा? अभी कम्प्लीट ही नहीं हुआ। अच्छा, मूर्ति उर्ति कुछ नहीं बिठाया, सिर्फ बाहर से बन रखा है ना? तो बाहर से बन रखा है। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम खिलेश है। खिलेश, आपका भैया? संजू। संजू, आपका? चंद्रभान। चंद्रभान, तो आज का जो टेंट लगाने का प्लान है यही पे हम लोग आज टेंट लगाएंगे। और मंदिर का एक बार आर्किटेक्चर वगैरह देखो, बहुत सुंदर है, 20 साल लगा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये मंदिर बन के, तो इसकी वजह से गेट वगैरह नहीं खुला, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर मूर्ति वगैरह कुछ इस टाइप का बना रखा है, बहुत सुंदर सुंदर, देख सकते हो। पूरा मंदिर में ऐसे बना रखा है साइड साइड से, जिधर देखा उधर ही, बहुत अच्छा मंदिर बनाया है। आप लोग भी आओ, बहुत ज़्यादा अनएक्सप्लोर मंदिर है ये, बहुत कम दिखाते हैं इस मंदिर को लोगों को लोग, क्योंकि और अभी नया नया स्टार्ट हुआ मंदिर, तो अंदर मूर्ति भी नहीं बैठा। और इस मंदिर का जो नाम है, कोई बोलता है उनाकोना टेम्पल, कोई बोलता है त्रिम्बकेश्वर टेम्पल, कोई बोलता है रुद्रा टेम्पल। गूगल मैप में जो वैसे लिखा हुआ है रुद्रा टेम्पल करके उनाकोना, और वैसे उनाकोना नाम से ये फेमस है ये मंदिर, क्योंकि इस गाँव का जो नाम है वो उनाकोना है इस गाँव का। और मंदिर काफ़ी अच्छा है और बहुत ही अनएक्सप्लोर मंदिर है ये, बहुत कम लोगों की वीडियोस वगैरह में ये मंदिर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि अभी तक ये चला ही नहीं उतना, और जब चल जाएगा तब ये फेमस हो जाएगा। बहुत सुंदर है इसका देखने लायक, देख सकते हो, तो बहुत ऊंचा मंदिर है। सेम ऊपर वाला हिस्सा जो है ना जगन्नाथपुरी में जैसा है वैसा टाइप का डिज़ाइन का बना हुआ है, बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं आज का जो टेंट फेंट लगाने का प्लान है इसी जगह पर लगाएंगे, और साथ में एक रिवर है देख सकते हो, तो सुंदर सुंदर व्यू भी है पहाड़ी का। तो देखते हैं अभी टेंट फेंट लगाने का क्या सीन होता है। टेंट फेंट तो मंदिर के पास ही लगा चुका हूँ, और यहाँ पर कोई दुकान वकान नहीं है, तो चावल फावल हम लोग कहाँ से लेंगे बनाने के लिए,
तो ये भैया मिला था दुकान में, दुकान मिला ही था तो भैया की घर से देखते चावल दाल सॉरी चावल आलू बैगन वगैरह लेके जा रहा हूँ। इधर दुकान उकान कुछ नहीं है ना भैया, राशन राशन का कुछ नहीं है, सिर्फ वो बिस्किट विस्किट का ही मिलता है ना, बिस्किट विस्किट बस मिलेगा। ऑडियंस रात में बंद हो जाता है दुकान। हाँ बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग सिर्फ वीडियो में दिखाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं कि व्यूज लाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। गाँव में ना सिर्फ वो बिस्किट विस्किट का दुकान मिलता है, आसानी से लंच वगैरह करने का दुकान नहीं मिलता है क्योंकि गाँव में लोग सब बना बना के ही खाते हैं घर पे, अपना खरीद के बहुत कम खाते, मतलब खरीद के बहुत कम खाते हैं, बना बना के खाते हैं खाना, इसकी वजह से जो है ना लंच वगैरह का दुकान बहुत कम मिलता है। बाकी जो भी है भैया आपको दिल से शुक्रिया आपने ये दिया हम लोगों को, तो अब हम लोगों का लंच सॉरी रात का डिनर बनेगा इसी से। तो अभी हम लोग खाना बनाने के लिए बैठे और यहाँ पर एक सीन हो चुका है हमारे साथ, हमारा मैचिस ही नहीं है देख सकते हो, तो अमृत भाई उधर गाँव में लेने गया है तो शायद आ भी चुका है। मैचिस मिला क्या अमृत भाई, मैचिस मिला? और क्या बोलो इतना तकलीफ, तो हम लोग के पास मैचिस नहीं था उस लिए लोगों का घर तक जाना पड़ा मैचिस लेने के लिए, और हरा मिर्च भी चाहिए था लेकिन हरा मिर्च नहीं मिला। बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या लोगों का घर से लेने तो ले लो। तो देख सकते हो सूखा मिर्च वगैरह मिल चुका है, ऐसे ही चलता है हम लोगों का ट्रैवलिंग। और खाना जो है ना ये चावल है और क्या है आलू है, आलू चावल आलू और बैंगन है। तो अभी खाना वाना बनाते हैं उसके बाद ही मिलते हैं आप लोगों से। खाना पीना अपना मस्त बन चुका है और खाने पे देख सकते हो चावल है और आलू चोखा वगैरह है और साथ में बैगन वगैरह है, तो अभी इस खाने को खाते हैं। खाना पीना खा के टेंट के अंदर आ चुका हूँ और इस ब्लॉग को जो है यही पेंड करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट डे पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।